हेलो एवरीवन, मैं हूँ मेधा। अगर आपको प्रेगनेंसी के आखिरी महीनों में ये 6 संकेत मिलना स्टार्ट हो जाते हैं आपकी बॉडी से, तो आप समझ लीजिए कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी बिल्कुल हो जाएगी। तो सबसे पहला संकेत होता है आपकी प्रेगनेंसी के आखिरी महीने में, जो बेबी होता है वो अपने सर को नीचे कर लेता है एंड अपने सर को पैल्विक हिस्से में ले आता है, जिस वजह से आपको प्रेगनेंसी के लास्ट मंथ में, क्योंकि जो बेबी का सर होता है वो पैल्विक हिस्से में आने की वजह से जो बेबी मूवमेंट होती है वो आपको बहुत ही कम फील होती है। जब भी आपको फील होगी तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग फील होगी, क्योंकि बेबी का सर नीचे हो जाता है जिस वजह से वो बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं कर पाता है। जैसे ही बेबी जो है नीचे की तरफ आना स्टार्ट कर देता है तो आपका जो पेट होता है वो ऊपर की तरफ थोड़ा सा खाली खाली सा दिखना स्टार्ट हो जाता है, और आपके जो नीचे का पेट होता है वो एकदम से गोल गोल सा बहुत छोटा सा दिखने लग जाता है। दूसरा संकेत होता है कि नॉर्मल डिलीवरी होने से पहले आपके शरीर में रिलैक्सिन हार्मोन्स के कारण आपका जो पेल्विस हिस्सा होता है एंड आपके जो लिगामेंट्स होते हैं वो बहुत ही ज्यादा मुलायम हो जाते हैं, और आपको उस हिस्से में जो है एक अलग ही तरीके से मूवमेंट महसूस होने लग जाएगी। प्रेगनेंसी के आखिरी महीनों में नॉर्मल डिलीवरी से पहले जो आपके गर्भाशय की जो ग्रीवा होती है वो भी चौड़ी होना स्टार्ट हो जाती है। जैसे जैसे आपका टाइम नजदीक आएगा तो जब आप टॉयलेट वगैरह जाते हैं तो आपको महसूस होगा कि आपका निचला हिस्सा जो है फटाफटा सा एंड चौड़ा चौड़ा सा बिल्कुल महसूस होना स्टार्ट हो जाएगा। और चौथा संकेत होता है कि जैसे ही आपका टाइम जितना ज्यादा नजदीक आएगा तो आपको बहुत ज्यादा यूरिन पास करने की इच्छा होने लगेगी बहुत जल्दी जल्दी, क्योंकि जब बच्चा अपना सर नीचे कर लेता है पेल्विस हिस्से में तो क्या होता है कि आपका जो यूरिन ब्लैडर होता है उसमें बहुत ज्यादा दबाव पड़ने लगता है, जिस वजह से आपको बहुत ज्यादा यूरिन करने की इच्छा हो जाती है। पांचवा जो साइन होता है कि जैसे जैसे आपका टाइम नजदीक आएगा तो आपको झूठे लेबर पेन भी स्टार्ट हो जाएंगे, मतलब आपका एकदम से दर्द आएगा, उसके बाद में आपका पेट एकदम से कड़क और टाइट हो जाएगा, उसके बाद वो अपने आप ही चला जाता है। तो ये झूठे लेबर पेन होते हैं जो आपकी बॉडी को नॉर्मल डिलीवरी के लिए तैयार कर रहे होते हैं, और इनसे आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। ये दर्द आते हैं फिर अपने आप ही चला जाता है, उसके बाद फिर 2 से 3 घंटे बाद आ सकता है और अपने आप ही चला जाएगा, तो ये भी एक बहुत ही अच्छा साइन होता है। नॉर्मल डिलीवरी के लिए जो आपके गुदा की मांसपेशियां होती है वो बहुत ही ज्यादा रिलैक्स हो जाती है, जिस वजह से आपको जो पोटी वगैरह होती है वो बहुत ही ज्यादा पतली होना स्टार्ट हो जाती है। आप महसूस करेंगे कि जैसे जैसे आपका टाइम नजदीक आएगा तो आपको लूज मोशन की शिकायत बिल्कुल हो जाती है। अभी तक आपको जो समस्या थी बहुत ज्यादा पोटी टाइट होना या अच्छे से ना होना, लेकिन अब आपको बहुत जल्दी जल्दी जाना पड़ेगा। तो ये कुछ साइन होते हैं जिनके थ्रू आप बिल्कुल पता कर सकती हैं कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी होगी। इसके अलावा आपको अपनी नॉर्मल डिलीवरी के लिए जैसे जैसे आपका टाइम नजदीक आए आपको ज्यादा से ज्यादा टहलना है, और आपको इंडियन टॉयलेट का भी ज्यादा से ज्यादा यूज करना है, इससे भी आपको नॉर्मल डिलीवरी में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। इसके अलावा आपको चेयर पकड़ के उकरू बैठना है, फिर आपको खड़े होना है, फिर बैठना है, ये भी आप थोड़ा बहुत जरूर करें, इससे भी आपकी जो बच्चेदानी का मुंह होता है उसको बहुत जल्दी खुलने में हेल्प मिलेगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज एक लाइक जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक टाइम से पहुंचे। सो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।